हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको झींगे की कड़ी बनाना बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले ऐसे अच्छे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिले। और आप लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो वॉच करते हो, लाइक कमेंट करते हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने इसे यहाँ पर इस तरीके से इसके ऊपर के जो ये छिलके होते हैं और इसके ढोके होते हैं वो इस तरीके से निकाल लिए हैं, आप देख सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे सफाई करनी है। उन सारे झींगों को हमने तेल में इस तरीके से फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा नमक डाल के आप देखो इस तरीके से इसे फ्राई कर लेना है। बिल्कुल हल्का सा गुलाबी रंग आने तक इसे हमें फ्राई करना है। यहाँ पर ये मैंने 3 से 4 टमाटर की प्यूरी रेडी कर ली है और यहाँ पर हरा धनिया और हरा लहसुन को मैंने बारीक कट कर लिया है इस तरीके से। यहाँ पर ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच, इन दोनों को एकदम बारीक नहीं पीसना है। और यहाँ पर ये प्याज को ऑनियन को कट कर लिया है और ये नमक स्वाद अनुसार लेना है। इसमें से 1 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर लेंगे, ये टर्मरिक लेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर ये गरम मसाला है, इसे हमें 1/2 टीस्पून डालना है। ये जीरा है और ये धना जीरा पाउडर है, ये भी लेंगे हम 1 टीस्पून। और ये तेल लिया है फ्राई करने के लिए। एक पैन गरम कर ली है, उसी पैन में हमें करना है जिसमें हमने ये जो झींगे को फ्राई किया है, इसी पैन के अंदर हम ये करी को रेडी करेंगे। 1 से 2 चम्मच के जितना हमने इसमें तेल ऐड किया है। थोड़ा सा तेल गरम हो जाने पर हम इसमें घी को हम थोड़ा सा गरम होने देते हैं, फिर इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और जीरा थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी होने के बाद हम इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे। हमारा जीरा रेडी हो गया है, अब हम इसमें ऑनियन ऐड कर देते हैं। ऑनियन को भी हल्का सा गुलाबी होने के बाद हम सारे मसाले इसमें भी एक एक करके ऐड कर देंगे। हमारी ऑनियन पिंक हो चुकी है, अब हम इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर देते हैं। हरी मिर्ची का पेस्ट हम इसमें ऐड कर दिया है, अब हम इसमें अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। इसे थोड़ा दरदरा सा ही पीसना है फ्रेंड्स, एकदम से सॉफ्ट मतलब बारीक नहीं पीसना है। जब हम झींगा करी को खाते हैं तब इसके अंदर ये जो दरदरापन होता है और ये जो अपने माउथ में इसका जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, इसलिए इसे हमें एकदम बारीक नहीं पीसना है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये 1/2 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, आपको जितना तीखा पसंद हो आप उस तरीके से ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड किया है इसलिए हम रेड चिली पाउडर थोड़ा सा कम ही डालेंगे। आप लोगों को जितना स्पाइसी पसंद हो आप डाल सकते हो। इसमें मैंने 1 टीस्पून टर्मरिक ऐड की है, ये धाना जीरा पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून,
सब चीज़ों को अच्छे से हिला लेते हैं। अब इसमें हमने जो झींगे फ्राई किए थे वही ऐड कर देते हैं और इनको थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देते हैं। जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने नहीं लग जाती तब तक हम इसमें इसको हिलाएंगे। इसमें हमने नमक ऐड कर दिया है, स्वाद अनुसार आपको जितना नमक कम ज़्यादा पसंद हो उतना आप ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें ये टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हमने गरम मसाला 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा हमने ऐड कर दिया है। हमने इसके ऊपर गरम मसाला लास्ट में इसलिए डाला कि इस गरम मसाले की जो स्मेल होती है वो इसमें लास्ट तक बनी रहे। हम इसमें पहले से ही ऐड कर देते तो इसकी स्मेल थोड़ी सी, इसकी खुशबू थोड़ी सी कम हो जाती है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर से ऐड किया है। आप देख सकते हो हमने इसे अच्छे से कस लिया है और इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है। अब इसमें हम ये जो हरा धनिया और हरा लहसुन है ये कट किया हुआ ये ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हिला लेंगे। हमारी झींगा करी बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप देख सकते हो उसका फाइनल लुक बहुत ही अच्छा और बहुत ही यमी है। आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमने झींगा करी के साथ खिचड़ी बनाई हुई है और ये सलाद है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये झींगा करी मेरी मम्मी ने बनाई है, वो बहुत ही अच्छी कुक है। मुझे सारी रेसिपी की जो आइडिया है मेरी मम्मी ही देते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल।